अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो भाई सुबह से 6 बजे से कर्फ्यू पूरी तरह नॉर्मल होने वाला है, कर्फ्यू को पूरी तरह से उठाने के लिए। और भाई हाँ एक चीज़ बता दूँ, उमरा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी निलंबित है, अगली सूचना आने तक उमरा को भी निलंबित रखा है सऊदी गवर्नमेंट ने। बार बार सैलून नाई की दुकानें पूरी तरह से ओपन है, मगर जो आप महामारी के समय में इंतजाम बरत रहे थे उनको मत भूलिएगा। 21 जून 2020 से मक्का में फिर से तैयार होने के लिए तैयार 1500 मस्जिद मक्का क्षेत्र में कई कोरोना वायरस देखते गए और इसने वायरस को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। राज्य टेलीविजन अल अखबार ने 21 जून 2020 में मक्का में फिर से खोलने के लिए तैयार 1500 मस्जिदों को फिर से खोलने के क्षेत्र में, भाई मैं हिंदी में दिया हूँ आपको ट्रांसलेट पढ़ सकते हैं आप, सैलून वगैरह की सभी दुकानें मगर जो मंत्रालय की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आप जो यहाँ के जो गाइडलाइन यानी जो नियम बताए हैं उनको बिल्कुल मत तोड़िएगा। ये नहीं है कि पूरी तरह नॉर्मल हो गया है तो भाई अब या आप मास्क भी नहीं लगाएंगे और पाबंदी भी नहीं रखेंगे, भीड़ भाड़ में कहीं पर आपको रहना नहीं है, भीड़ से बचना है, मास्क लगा के रखना है, आप काम कर सकते हैं। पूरी तरह से जैसे था वैसे नॉर्मल हो गया है, मगर मास्क के लिए अभी तक आपको अपने बचाव के लिए मास्क लगा के रखना है, उस पर वही जुर्माना है जो जुर्माना था। पुरुषों की नाइकों की दुकान 2020 के लिए निर्देश पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पे। भाई कल रविवार 21 जून से पुरुषों के नाई की दुकान और महिलाओं के ब्यूटी सैलून वापस शुरू हो रहे हैं, ये ट्वीट भी है भाई मंत्रालय का। वैसे ही मास्क लगा के आपको रखना है, कर्फ्यू पूरी तरह से उठाना, कल रविवार सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले कर्फ्यू को पूरी तरह से उठाने के लिए जारी की गई मंजूरी 21 जून 2020। सऊदी अरब में सभी आर्थिक और वाणिज्य गतिविधियों की वापसी की अनुमति दे, आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि उमरा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रदर्शन अगली सूचना तक निलंबित रहेगा यानी बंद रहेगा। आंतरिक मंत्रालय सामाजिक गड़बड़ी और मास्क पहनने या सभी के नाक और मुंह को ढकने के लिए प्रतिबंधता पर जोर देता है। आंतरिक मंत्रालय कोरोना वायरस से प्रतिबंध निर्णयों और निर्देशों के उल्लंघन में व्यक्तियों और सुविधाओं पर लगाए गए जुर्माने की पुष्टि करता है। या भाई स्क्रीन पर अच्छे से पढ़ लें, मैं हिंदी ट्रांसलेट करके दिया हूँ ताकि आप इसको पढ़ सके और इसको फॉलो कर सके। अगर आप ऐसे भीड़ में फिरेंगे तो वायरस आपको कहीं से भी पकड़ लेगा, आप अपने बच्चों में कैसे जा पाएंगे, तो आप अपने बचाव के लिए खुद पाबंदी बरतिए। आंतरिक मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र ने एक बयान में कहा कि वह 26 मई के अनुरूप 3:14:41 पर जारी बयान से जुड़ा था और इस पर सामाजिक व्यवस्था, भाई आप अच्छे से हिंदी में इसको पढ़ लें नहीं तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट कट में छोटा छोटा वीडियो बना दिया हूँ। आपको मेन क्लिप उठा के जो आप समझ सके और आप पढ़ सके, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसलिए शॉर्ट कट दे देता हूँ और आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ पढ़ने के लिए। चरण 3 पर आंतरिक मंत्रालय का बयान, हम सावधानी के साथ लौटते हैं। पहला कर्फ्यू को पूरी तरह से उठाना, रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू होकर 29:14:41 21 जून तक किंगडम के सभी क्षेत्रों और शहरों और सभी आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों की वापसी की अनुमति देने। भाई सब जगह पूरी तरह से लॉकडाउन खुल गया है सुबह 6 बजे से, और कहीं पे भी 50 से ज़्यादा किसी भी माहौल में किसी भी तरह, ये तो सऊदी हो पाएंगे इतने तो खारजी हो नहीं पाएंगे, तो सभी के लिए खारजी नियमों को कम फॉलो करते हैं उनके लिए खास स्पीच है। भाई 50 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा होने पर कानूनी कड़ी से कड़ी सजा है, और आपको वैसे ही ग्रुप में पाँच आदमी से अधिक रहना नहीं है, 5 आदमी तक ही आप रह सकते हैं। 2-2 मीटर की दूरी बना के रखें, मुँह पर मास्क लगा के रखें, बाकी अपने काम काज करते रहें। आप ड्यूटी करते हैं या काम करते हैं तो मास्क पहनना अवश्य है, मास्क को लगा के रखना है, हाथ में दस्ताने भी पहन के रखना है,
और भाई मुंह से जो है मास्क उतारना नहीं है, मुखौटा लगा के रखना है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन, साथ ही आगे की सूचना तक भूमि और समुद्री सीमाओं में प्रवेश और निकास। चौथा, व्यक्तियों और सुविधाओं, ये पढ़ ले भाई, आप आराम से तसल्ली से स्क्रीन पर हिंदी में मैं आपको पढ़ने के लिए दिया हूँ। और भाई यहाँ की जो मंत्रालय ने गाइडलाइन जो दी है उसको आप अच्छे से फॉलो करना है। व्यक्तियों और सुविधाओं के लिए निर्धारित दंड की पुष्टि को कोरोना वायरस के प्रसार को सीमित करने के उपाय से संबंधित निर्णय और निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, जिम्मेदार स्रोत ने सभी नागरिकों, निवासियों और नियोक्ताओं द्वारा संवेदन जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया है। एहतियाती उपायों और निवारक उपायों का पालन और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी, ये आप इसको अच्छे से फॉलो करो। 1500 मस्जिद रेडी हैं भाई, इंशाल्लाह नमाज पढ़ी जा रही है आज से मक्का में, कल से पूरी मस्जिदों में नमाजें होंगी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, दुआ करिए और नमाज को छोड़िए मत, पाबंदी से पढ़िए 5 वक्त की नमाज। बाकी अपने काम पे भी ध्यान दीजिए, ये आप जो मंत्रालय की गाइडलाइन से इसको भी पढ़ लीजिए। मास्क लगा के आपको रहना है, काम काज करते रहिए, आप ड्यूटी पे जाते हैं जाइए, किधर भी जाते हैं जाइए, ऐसे बेफालतू में मार्केट में इधर उधर मत फिरिए, इससे बचिए। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए, ना ही कि दुकानों ले हो, ब्यूटी पार्लर हो, या भाई खेल के मैदान हो, या कोई भी हो भाई, पूरी तरह से सब कुछ सऊदी में खोल दिया। जैसे कि 6 बजे से 8 बजे तक कर्फ्यू वाली सूचना आपको मिली थी, उसमें ये भी मिली थी कि 21 जून से वापसी नॉर्मल ज़िंदगी आने लगेगी और लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाएगा। तो लॉकडाउन पूरी तरह उठा लिया गया है। आपको मैं यहाँ के मंत्रालय के, सऊदी के जो हुकूमत है उसका भी ट्वीट आपको दिया हूँ, मंत्रालय का भी ट्वीट आपको दिखाया हूँ। तो नॉर्मल ज़िंदगी में अभी आप वापसी आ रहे हैं, लेकिन मुखौटा बिल्कुल लगा के रखिए, आप घर से जब बाहर निकलिए पहले की तरह फॉलो कीजिए। और भाई भीड़ भाड़ में जाने में या दुकानों में घुसने से 5 से अधिक व्यक्तियों पर जुर्माना भी उतना है जो मैं दिखाया हूँ। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के जो आज के केस हैं 39, रिकवरी हुई 3153, मौतें हुई हैं 46। रियाद में भी बहुत आराम, नहीं तो 2000 भी आने लगे थे, 1400 से भी आने लगे थे रियाद में, अभी सही है यार, बहुत आज 700 कुछ आए हैं। जो कोरोना वायरस से संक्रमण सऊदी में अभी तक हुए हैं 154,233, रिकवरी हुए 58,917, मौतें हुई हैं टोटल मिला के 1,230। तो आप 154,233 में से 98,917 निकाल दीजिए ये भाई, और आप अभी काम काज कीजिए। ये सऊदी का ट्वीट्स है, ये आप देख लीजिए, इस पर अमल करिए। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।